hello student this is our second video of class 9th biology chapter tissue student in our last video we have discussed about plant tissue their classification in detail and now in this video we are going to study about animal tissue types of animal tissues epithelial tissues connective tissues muscular tissues neural tissues so let's start with the animal tissue सब डिवाइडेड एज एपीथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू स्टूडेंट ये जो एनिमल टिश्यू है वो मेनली ये क्लासीफाइड हुआ है एपीथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपीथीलियल टिश्यू से इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस शीट सिंपल एपिथीलियम इज द वन विच इज़ एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर वेयर एज स्ट्रेटिफाइड एपीथीलियम आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर स्टूडेंट जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल बॉडी की और सिंपल एपिथेलियम जो होती है वो सिंगल लेयर है सेल की जो कि एक ही सेल से मिल बनी हुई रहती है सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिल बनी रहती है जबकि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है वो एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की सेल्स की लेयर से मिलकर बनी हुई रहती हैं नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन शेप्स एंड फंक्शन दे आर क्लासीफाइड एज आगे जाके इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है सबसे पहले स्क्वेमस एपिथीलियम इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं हमारे माउथ के अंदर और ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में प्रेजेंट होती हैं स्क्वेमस एपिथीलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स की जो शेप्स होती है वो स्क्वायर लाइक -like होती है इसलिए वहाँ पर हम इनको स्क्वामैस एपिथीलियम बोलते हैं नेक्स्ट है कोबॉइडल एपिथीलियम इन द लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल एंड सेलेबेरी ग्लैंड ये हमारे किडनी टिब्यूल्स में और सेलेबे ग्लैंड यानी कि जो माउथ में प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा रिलीज करती हैं वहाँ कोबॉर्डल एपिथिलियम प्रेजेंट होते हैं और इनके शेप्स के आधार पर इनका नाम दिया गया है कोबॉर्डल यानी कि क्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है इनका स्टूडेंट नेक्स्ट है कॉलोमनर एपिथीलियम इन द इन द इंटेस्टाइन एंड कॉलोमनर एपिथीलियम विद सीलिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंटेस्टाइन में यह कॉलोमनर एपीथीलियम प्रजेंट होती है नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपीथीलियम इन द गलैंड एड इन स्पेशल फंक्शन एज ग्लैंड सेल विच सिक्रेट एट द एपीथीलियम सरफेस कुछ ग्लैंड मॉडिफाई हो जाती हैं सम सिक्रेशन के लिए और ऐसी एपीथीलियम को हम लोग ग्लैंडुलर एपीथीलियम बोलते हैं नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले इसमें बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में स्टूडेंट ब्लड के बारे में ब्लड इज़ अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड होता है स्टूडेंट वो एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड प्लाज्मा हैज़ आर बी सीज रेड ब्लड सेल्स डब्लू बी सीज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट स्टूडेंट जो ब्लड है वो एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं और इसमें अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे आर बी सीज फुलफॉम है इनकी रेड ब्लड सेल्स डब्लू बी सीज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ये सारे सेल्स होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा कंटेंस प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स सॉल्ट हारमोन्स ये सारी चीज़ें प्रजेंट होते हैं ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और जो गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट कराता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके हमारे लंग्स में लेके आता है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है डाइजेस्टेड फूड जो हम खाना खाते हैं उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करना उसके न्यूट्रिय्स को हारमोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने का जो काम है वो ब्लड करता है स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन्स के बारे में द बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विद अ हार्ड मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं कम्पोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो कि मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई रहती हैं अ बोन इज कनेक्टेड बाय अनोदर बोन विद अनोदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लेगामेंट स्टूडेंट यहाँ पर लेगामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एक बोन से दूसरी बोन से जोड़ना है तो लेगामेंट्स उसमें काम करते हैं अ बोन इज कनेक्टेड बाय मसल विथ अनोदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन दूसरा एक और टिश्यू है टेंडन जो कि बोन को मसल से जुड़ाने का काम करता है बोन टू बोन जुड़वाने का काम लेगाट्स का है बोन टू मसल जुड़वाने का काम टेंडन का है ये पता होना चाहिए ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट है कार्टिलेज द कार्टिलेज इज आ कनेक्टिव टिश्यू विद सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स कार्टिलेज स्टूडेंट बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और मसल से थोड़ा हार्ड होता है जो कि मेनली प्रोटीन और शुगर से बना हुआ रहता है इट इज़ कॉमनली सीन इन नोज़ यानी कि नोज़ की जो टिप होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर्स में ट्रैकिया में और लैरिंग्स में ये प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल हमारे स्किन और मसल्स के बीच में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है अराउंड द ब्लड वेसल्स हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वेन्स आर्टरीज कैपिलरीज वहाँ प्रजेंट होता है इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड एड इन रिपेयर ऑफ टिश्यू हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करना या हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनमें इंजरी वगैरह हो जाती है तो उन्हें रिपेयर कराने का भी जो काम है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है नेक्स्ट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स यानी कि फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू है फैट स्टोरिंग टिश्यू फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट इट एक्ट एज अ इंसुलेटर जो कि एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं थ्री टाइप्स ये तीन तरीके के होते हैं मेनली सबसे पहले बात करते हैं स्टाइटेड मसल या उनका एकोनामा स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल भी इनको बोल सकते हैं स्टूडेंट स्टाइट इस मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि तो यहाँ पर हमें लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं इनकी स्ट्रक्चर में स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो स्केलेटल है वहाँ प्रजेंट होते हैं और वॉलन्ट्री मसल्स हमारे विल पावर यानी कि हमारे इच्छा अनुसार ये वर्क करती हैं मसल्स और ये जल्दी थक भी जाती हैं स्टूडेंट दे आर सिलेंड्रिकल अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दे हैव डार्क बैंड एंड लाइट बैंड यहाँ पर पट्टियाँ या लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं एक डार्क बैंड की और एक लाइट बैंड की जिसकी वजह से इनको स्टार्टेड मसल्स बोलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट है अनस्टार्टेड मसल स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल अनस्टार्टेड यानी कि यहाँ इनके सरफेस पर कोई भी लाइनिंग प्रजेंट नहीं होती है इसलिए इनको स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है इन्वॉलेंट्री मसल्स क्योंकि हमारे विल पावर हमारे इच्छानुसार काम नहीं करती हैं अपने आप ही ये, वर्क करती हैं स्टूडेंट दे रखा है दे आर कॉमनली कॉल्ड एस स्मूथ मसल्स बिकॉज दे हैव नो स्ट्राइशन डार्क बैंड और लाइट बैंड आर एबसेंट कॉमनली फाउंडन एलिमेंट्री कैनाल यूट्रस आईडिस ऑफ एन आई दे आर स्पिंडल शेप इन्वॉलेंट्री इन नेचर नेक्स्ट कार्डिय मसल कार्डिक मसल हमारे हर्ट की जो मसल्स होते हैं ना कार्डिय मसल्स बोलते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है इनका जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों जो हमने अभी मसल्स पड़े थे अनस्ट्राइटेड और स्ट्राइटेड मसल्स उनसे मिलकर बना हुआ है क्योंकि अभी जो इंटरनल ऑर्गन में जो मसल्स थी वो उनके ऊपर कोई भी लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन कार्डिक मसल्स में यहाँ पर लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रांच होता है और ये कंटिन्यूसली लगातार वर्क करते हैं बिना थके दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट मसल इनको हार्ट मसल बोला जाता है सिलेंड्रिकल ब्रांच यूनि न्यूक्लियट इन्वॉलेंट्री इन नेचर ये भी इन्वॉलेंट्री होते हैं अपने आप ही रेगुलेट होते हैं लास्ट है नर्वस टिश्यू द टिश्यू रेस्पॉन्ड टू स्टूमली स्टूमली का मतलब होता है स्टूडेंट जो भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसे हमारी बॉडी रिसीव करती है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेस्पॉन्स अपना देते हैं द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू और न्यूरोन जो नर्वस टिश्यू है जैसे हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में और जो हमारे बॉडी में नर्व्स हैं वो न्यूरॉन की बनी हुई हैं नर्वस टिश्यू की बनी हुई हैं जो कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करते हैं और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी कोई भी न्यूरॉन हो उसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जैसे सेल बॉडी या साइटोन भी बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डेंड्राइट एक्सोन नर्व एंडिंग ये सारे पार्ट्स हैं इसके द न्यूरॉन इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल वैन वॉन्ट टू रेस्पॉन्ड टू स्टूमली जब भी बाहर से कोई एक्सटर्नल चेंज आता है तो हमारा जो न्यूरॉन है वो अलाउ करता है रेस्पॉन्ड देने के लिए उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल बॉडी इसके अलावा एक्जोन सबसे एलोंगेटेड पार्ट होता है एक्जोन डेंड्राइट और नर्वेंटिंग डेंड्राइट का काम है स्टूडेंट सारे डायरेक्शन से इम्पल्स को कलेक्ट करना मैसेज को कलेक्ट करना और फिर सेल बॉडी को पास करना सेल बॉडी एक्जोन को पास करती है और एक्जोन अपने लास्ट वाले जो पार्ट है नर्व एंडिंग वहाँ पर इन्हें स्टोर कर लेता है केमिकल्स के फॉर्म में एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में और फिर यहाँ पर एक और दूसरा न्यूरॉन है जो कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं होता है थोड़ा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसे हम स्नैप्स बोलते हैं और ये केमिकल्स उस दूसरे वाला न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट है वहाँ जो चैनल्स क्लोज होते हैं उन्हें ओपन कराता है और ये इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फ़्लो कर जाती है तो इस प्रकार से हमारी जो बॉडी में न्यूरॉन प्रेजेंट है वहाँ इन्फॉर्मेशन फ़्लो करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में और जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में उसे हम स्नैप्स बोलते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो टिश्यू चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है ये डायग्राम आपको स्टूडेंट ड्रॉ करना है आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है ब्लैंक साइड पर और लेबलिंग भी आपको पेंसिल से करनी है स्टूडेंट